हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो गाइज, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। तो गाइज, पिछले वीडियो में हमने सीखा था एमएस पेंट को किस तरीके से हम उसमें किसी भी आर्ट को बना सकते हैं। तो गाइज, अब हम सेकेंड पार्ट में सीखेंगे किस तरीके से आप उसमें इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं एंड उसको ड्रा कर सकते हैं। तो गाइज, चलते हैं अपने एमएस वर्ड पर एंड उसको ओपन करते हैं। तो गाइज, ये हमारा एमएस पेंट है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। उसके बाद गाइस, जिस इमेज को आपको इसमें इंसर्ट करना है उसको ओपन कर लेते हैं। इस तरीके से मैं इस इमेज को इंसर्ट करूंगा, तो पहले इसको ओपन कर लेते हैं। उसके बाद आपको इसकी स्क्रीनशॉट लेनी है। आपको अपने कीबोर्ड से प्रिंट का बटन दबाना है जो फंक्शन की के साथ वाली लाइन में होता है, से इसको प्रिंट कर लेंगे। उसके बाद इसको मिनिमाइज करके अपने एमएस पेंट पे जाएंगे, उसके बाद कंट्रोल बी से यहाँ पे इसे पेस्ट कर देंगे। तो गाइस, इस तरीके से ये यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको ये क्रॉप करना है, तो क्रॉप करने के लिए आपको पहले इसे छोटा कर लेना होगा यहाँ से। उसके बाद आपको सिलेक्ट साइज करके आपको इसको क्रॉप कर लेना है इस तरीके से। उसके बाद यहाँ से क्रॉप लिखा हुआ है, क्रॉप पे जाके आप इसको क्रॉप कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये क्रॉप हो जाएगा। अब आप इसको जूम कर सकते हैं, इस तरीके से ये जूम हो जाएगा। अगर आप इस पे कुछ भी लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ से टेक्स्ट को ले सकते हैं और यहाँ से आप लिख सकते हैं। तो गाइस, ये हमारा पूरा टेक्स्ट पॉइंट खुल चुका है। अगर आप चाहें तो यहाँ से हिंदी में भी लिख सकते हैं एंड इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे हिंदी में लिख के दिखाता हूँ आपको। अगर आपको हिंदी टाइपिंग आती है तो आप हिंदी में लिख सकते हैं, अदरवाइज आप इंग्लिश में लिख सकते हैं। तो गाइज, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख दूंगा आपको। आप यहाँ से इंग्लिश का फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, यहाँ से आप कालबरी का यूज कर सकते हैं इंग्लिश में लिखने के लिए। अगर आपको इसे मूव करना है तो आप यहां से जाके इसे मूव कर सकते हैं। अगर आप इसमें कलर भरना चाहते हैं तो इसे सिलेक्ट करके यहां पे आप कलर फिल्ड कर सकते हैं। आप जिस भी कलर को चाहते हैं यहां से आप किसी भी कलर को फिल्ड कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। गाइस, मैं यहां पे ब्लैक कलर ही रहने दूंगा। आपको जो अच्छा लगे कलर वो आप चूज कर सकते हैं। उसके बाद आप चाहें तो इसके नीचे अंडरलाइन लगा सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पे इटैलिक का भी यूज कर सकते हैं। इसमें सारे फंक्शन वही हैं जो एमएस वर्ड में होते हैं। अगर आप कलर एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पे जाके आप कलर एडिट कर सकते हैं जिस कलर को आप चाहते हैं। उसके बाद ओके कर देंगे तो कलर चेंज हो जाएगा। इस तरीके से आपका नाम लिख जाएगा आप जहां भी चाहेंगे। अगर आप इसमें आप अदर शेप लेना चाहते हैं तो आप यहां से अदर शेप भी ले सकते हैं। से यहां से अगर आप इस तरीके से शेप लेना चाहते हैं तो शेप भी ले सकते हैं। तो मैं यहां पे शेप नहीं लूंगा। अगर आप चाहते हैं एरो दिखाना तो आप यहां से एरो दिखा सकते हैं इसको, यहां से करके इस तरीके से आप एरो भी दिखा सकते हैं। आप यहां से छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो गाइस, इस तरीके से आप किसी भी इमेज को इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आपको इसमें कुछ भी रफ करना है तो आप यहां से इरेजर का यूज कर सकते हैं। इस तरीके से आप यहां से कुछ भी रफ कर सकते हैं। अगर आपको इसे बैक करना है तो कंट्रोल जेड से आप इसे रिवर्स कर सकते हैं। इस तरीके से आप इमेज एडिट कर सकते हैं। अगर आप इसको इमेज को रोटेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे जाके आप इमेज रोटेट कर सकते हैं। अगर आपको इसे 180 डिग्री करनी है तो आप यहाँ जाके 180 डिग्री कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि 90 डिग्री करनी है या फ्लिप हॉरिजॉन्टल करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो इस तरीके की जो ये इमेज है इसको हम अगर फ्लिप हॉरिजॉन्टल करेंगे तो इस साइड की हो जाएगी ये इमेज। तो इस तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हैं।